Let's do question number 46 of exercise 5C, that is arithmetic progression. Question number 46 is, a man saved rupees 33,000 in 10 months. Ek man ne save kiye money 33,000 10 mahine mein. In each month after the first, he saved rupees 100 more than he did in the preceding month. Each month, har ek month after the first, पहले के बाद से हर एक मंथ वो 100 रुपये ज़्यादा जोड़ता था जितना उसने पहले मंथ जोड़ा है. लाइक अगर वो इस महीने 100 रुपये जोड़ता है तो अगले महीने 200 रुपये जोड़ता है, थर्ड मंथ वो 300 जोड़ता है, इस टाइप से. राइट, हाउ मच डिड ही सेव इन द फर्स्ट मंथ, तो उसने फर्स्ट मंथ में कितना सेव किया ये बताना है. तो देखिए हमें बता रखा है टोटल मनी उसके उसको कितना जोड़ा, टोटल मनी. देखिए स्टार्टिंग में कह रहा है ना, अ मैन सेव 33,000 टेन मंथ्स, तो टोटल मनी ही सेव्ड कितना, टोटल मनी सेव किया दैट इज रुपीज 33,000. एंड नंबर ऑफ मंथ्स कितने थे, नंबर ऑफ मंथ्स थे हमारे 10. राइट, अब वो कह रहा है हर एक महीने मैं 100 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ता हूँ, तो हमें पहले मंथ का नहीं पता कितना जोड़ा, तो हमने कहा लेट फर्स्ट मंथ, इन फर्स्ट मंथ ही, फर्स्ट मंथ ही सेव्स एक्स रुपीस. राइट, तो नेक्स्ट मंथ में कितना जोड़ा होगा, वो कह रहा है 100-100 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ता रहता हूँ, तो सेकेंड मंथ में उसने जोड़े होंगे ही सेव्स एक्स प्लस 100, थर्ड मंथ में उसने जोड़े होंगे एक्स प्लस 200. राइट, ये हो गया, तो ये हमारी एपी बन गई. देखिए एक्स एक्स प्लस 100 एक्स प्लस 200 अप टू 10 महीने की ही इंस्टॉलमेंट हुई है. देखिए 10 महीने ही जोड़े हैं उसने, तो ये देखिए एक्स एक्स प्लस 100 सेकेंड मंथ में एक्स प्लस 100 है, दूसरे महीने में 100 रुपये एक्स्ट्रा हैं, तो 10वें महीने में क्या होंगे, एक्स प्लस 900 ही एक्स्ट्रा होंगे. राइट, अब क्या कह रहा है वो, हमें फर्स्ट मंथ की अर्निंग निकालनी है, एक्स निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, हमारा सम ऑफ टोटल सम कितना देगा, टोटल अर्निंग कितनी दे रखी है 33,000, तो सम एनथ टर्म का फॉर्मूला क्या होता था, सम ऑफ एनथ टर्म एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता था फॉर्मूला. अब ए हमारा हुआ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमने कैसे माना एक्स को, तो ए हो गया एक्स, और डी क्या आ गया, देखिए यहाँ पे एक्स प्लस 100 में से एक्स माइनस कर देंगे, x प्लस 100 में से मैंने x माइनस किया तो ये कैंसिल हो गया, तो d आ गया हमारा 100. राइट, तो वैल्यूज रख देते हैं. अब हमारा सम ऑफ nth टर्म, टोटल सम कितना था 33,000, तो ये आया 33,000 इक्वल्स टू n, क्या हुआ कितने नंबर ऑफ मंथ्स उसने सेव किया, दैट इज 10, तो हमारा n आ गया 10 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस एन था हमारा 10 माइनस 1 इंटू डी, डी है हमारा 100, तो ये कितना आ गया 33,000 इक्वल्स टू 2 1 2 2 5 10, तो ये आया 5 इंटू 2x प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू 100 तो ये कितना आ गया 33,000 इक्वल्स टू 5 इंटू 2x प्लस 900 आ गया. ब्रैकेट ओपन किया तो ये आया 33,000 इक्वल्स टू 5 2 10x प्लस 4500 9 5 45, तो 33,000 में से हमारा 4500 माइनस हुआ इक्वल्स टू 10x, तो 10x इक्वल टू किसके आ गया, दो जीरो एज इट इज़, 10 में से 5 गेस 5, 2 में से 4
12 में से 4 गया इज 8 एंड 2, तो x कितना आ गया 28500 अपॉन 10, 1 0 से 1 0 कट गई तो आ गया 2850। हमने x किसे माना था कि फर्स्ट मंथ उसने कितना सेव किया है, तो हम लिख सकते हैं ही सेव्स रुपीस 2850 इन फर्स्ट मंथ। आंसर